Hello everyone, welcome back to my channel Life Simplified by Sarika. My channel, you are my favorite. Don't stop. Okay, so basically आज के इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ जब मैंने इस प्रुहा की स्मॉल लेटर्स एल टू जेड राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तब मैंने कौन कौन सी एक्टिविटीज ली हैं उसकी। ओके, सो एट फर्स्ट मैंने उसको स्मॉल अल्फाबेट्स ओरली इंट्रोड्यूस्ड करा दिए थे फुल ए टू जेड। अब वो कंप्लीट ए टू जेड आइडेंटिफाई कर लेती हैं, तो क्विकली लेट्स हैव अ लुक हाउ शी रिकॉग्नाइज्ड इट। एच, वेरी गुड। डी, वेरी गुड। X, K, I, M, O, this, R, Q, S, B, Y, G, F, E, L. Very good. ओके, सो जब स्पृहा को स्मॉल लेटर्स ए टू जेड सीक्वेंस एंड रैंडमली बोथ आइडेंटिफिकेशन ईजी होने लगा तभी मैंने राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ स्मॉल लेटर्स स्टार्ट किया था। तो मैंने इसे स्मॉल ए उसको ट्रेसिंग थ्रू ही इंट्रोड्यूस कराया था। ऑल दो शी नोज ऑल लेटर्स वर्बली बट स्टिल राइटिंग करते वक्त उसका कन्फ्यूजन नहीं कराना था मुझे इसलिए। और पिछले साल भी स्कूल में कैपिटल लेटर ए टू जेड को ऐसे ही ट्रेसिंग के थ्रू ही सिखाया गया था। तो ये ट्रेसिंग जब तक उसको अपने आप से स्मॉल लेटर ए ऐसे राइटिंग नहीं आ रहा था तब तक मैंने ट्रेसिंग पे ही मेन फोकस रखा था। उसको स्मॉल ए कंप्लीट आने लगा तब मैंने उसको आगे के लेटर्स इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट किया था वन बाय वन। तो इस टोटल प्रोसेस को मुझे 1 मंथ लगा था। अब वो ए टू जेड कंप्लीट राइटिंग कर लेती हैं। इसके साथ साथ ही मैंने कैपिटल लेटर ए टू जेड की राइटिंग प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखी है। सो सेम एज लास्ट ईयर मैंने उसका रैंडम लेटर्स राइटिंग पे ही मेन फोकस रखा है क्योंकि इसी से मुझे एक्चुअली क्लैरिटी आ जाती है कि कैन शी रिकॉग्नाइज एंड राइट द लेटर्स रियली वेरी वेल। ओके, मैं ये ऐसे क्यों करती हूँ क्योंकि स्मॉल लेटर ए टू जेड राइटिंग एंड रिकॉग्निशन ये बेस है बच्चों का, इसी से उसको आगे रीडिंग आएगा। इसलिए मेरा मेन फोकस इसी पे रहता है कि उसको ए टू जेड कैपिटल एंड बोथ स्मॉल अच्छे से राइटिंग एंड रिकॉग्निशन आना ही चाहिए। ये वर्कशीट लिटरेसी स्कूल के बुक में अवेलेबल है। वेरी गुड गर्ल। जब वो स्मॉल लेटर्स ए टू जेड तक राइटिंग करने लगी तब ये मिसिंग लेटर की एक्टिविटी मैंने स्टार्ट कर दी थी जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सो प्लीज वो वीडियो एक बार चेक कीजिए। सो नेक्स्ट एक्टिविटी इज मैच द पेयर, इसका भी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। सो बेसिकली मैं सिर्फ वही एक्टिविटीज़ लेती हूँ जो बुक्स में मेंशन है। मैं रादर देन बुक्स कोई भी वर्कशीट्स लेना प्रेफर नहीं करती। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नेक्स्ट के लिए बाय बाय।